अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल मटन कोफ्ता करी। बहुत ही इजी रेसिपी है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत हमने मटन लिया था, इसे वॉश करने के बाद ये बोनलेस मटन है, और ये एक अदद प्याज, दो अदद हरी मिर्च और कुछ ड्राई मिंट लीव्स हैं। इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में शामिल है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और नमक इसमें हम ऐड करेंगे हसबे जायका। तो ये ड्राई मसाले जो थे वो इसमें ऐड कर चुकी हूँ। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, 4 अदद लहसुन के जवे। इसके बाद हम इसमें मटन ऐड करेंगे, बोनलेस मटन। थोड़े से इसमें हम ब्रेड क्रम्स और 1 अदद अंडा भी इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद इसे हम ब्लेंड कर लेंगे बहुत। तो यहाँ इसे हमने पीस लिया, अब इसके हम राउंड शेप में इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। इस तरीके से आप हाथ में पहले ऑयल लगाइए, उसके बाद इस तरीके से राउंड शेप में इसके कोफ्ते तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसके फ्राइंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल हल्का सा इसको गर्म करने के बाद इसमें तमाम कोफ्ते बहुत आहिस्तगी से इसमें मैंने ऐड कर दिए, और इसे हमें पलटना नहीं है फौरी तौर पे। इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, जब ये एक साइड से अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे तो इसकी साइड्स हम चेंज कर देंगे। इस तरीके से ये एक तरफ से रेडी हो गए थे, तो मैंने इनकी साइड्स चेंज कर दी और तमाम कोफ्ते इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसकी ग्रेवी की हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ ब्लेंडर में मैंने 2 अदद प्याज, फ्राई की हुई प्याज थी, और 100 ग्राम दही था। इसे हमने पेस्ट इसका बना लिया, ब्लेंड कर लिया इसे। उसके बाद फिर हमने जिस पैन में कोफ्ते फ्राई किए थे उसी में हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया था, और इसे अब हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे। तो यहाँ इसकी कुकिंग हो रही है, इसमें कच्चापन ना आ रहा है, बस इतना कुक करना है। उसके बाद हमने जो प्याज और दही का मसाला ब्लेंड किया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसमें हम चमचे चलाते रहेंगे इसके बॉयल आने तक। यहाँ पे इसमें बॉयल आ चुका है। तो इसके मसाले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कोफ्ता मसाला लिया था, रेड चिली पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया था, नमक हसबे जायका, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। तो ये मसाले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और यहाँ इसे हमें भूनना है। मैं इसे कवर अप नहीं करूँगी, मैं इसी तरीके से इसे भून लूँगी। तो यहाँ आप देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है, और ये मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और इसमें बॉयल आते ही इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें बॉयल आ चुका है, और तमाम कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे इसमें हम ऐड कर देंगे। अब ये कोफ्ते कुछ फ्राइंग में कुक हो चुके थे और मज़ीद इसमें कुक हो जाएंगे। मिनिमम इसे कवर अप करने के बाद 15 मिनट इसे हम कुक करेंगे, ग्रेवी इसकी थिक हो जाएगी और कोफ्ते अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट के बाद इसका कुछ टेक्सचर इस तरीके से है। 15 से 20 मिनट आप इसे कुक कीजिएगा, मसाला इसका थिक होने तक, ग्रेवी इसकी गाढ़ी होने तक आप इसे कुक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसका फाइनल लुक। उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे, ईद स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही ईजी, बहुत ही कम टाइम में कम मसालों से तैयार हो जाने वाली। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।